ये दुविधा होती है, हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और इतिहास देखो, हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान। और क्या, भारत टूटा, अभी अभी टूटा, क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ, क्यों हुआ? तो हम हिंदू इस भाव को भूल गए, वहां के मुसलमान भी भूल गए। और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। कह सकते थे कि तुम अपने आप को हिंदुस्तान को, वेद हमारे यहां हुए, संस्कृत का व्याकरण हमारे यहां लिखा गया है, जिससे तुम्हारा हिंदू नाम तुम लगाते हो वो सिंधु हमारे यहां है, तुम हिंदू मत बनना, भारत मत बनना, हम बनेंगे, दूसरा नाम ले लेना, ऐसा वो कह सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान कहेंगे तो भारत आएगा, और भारत कहेंगे तो हिंदुस्तान आएगा, हम पाकिस्तान ठीक है। तो हिंदू नहीं रहा तो भारत भारत नहीं रहा। किसी को भी देख लो जो अखंड भारत में था और आज नहीं है, और अपने देश में भी देख लो कहां कहां गड़बड़ है, कहां कहां अस्थिरता है, कहां कहां देश की अखंडता एकात्मता को खतरा है, कहां कहां पर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बड़ी तगड़ी है। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है, हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा, और